स्वागत है। आज हम लोग हैं प्रेस क्लब पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल जी। आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है रतनलाल जी। शुक्रिया, थैंक यू। रतनलाल जी, एक बात बताइए, अभी बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण मिल भी नहीं पाया था कि अभी जनरल समाज को, संवर्ण समाज को जिसे बोलते हैं, उनको 10% का आरक्षण और दे दिया है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये संविधान की आड़ में संविधान पर सबसे बड़ा हमला है। जिस तरह आतंकियों ने संसद पर हमला किया था, उसी तरीके से जो सामाजिक न्याय विरोधी हैं संविधान पे इस आरक्षण के थ्रू हमला कर रहे हैं। कहीं भी संविधान में जो है आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात नहीं ये थी। आरक्षण की मूल भावना ये थी कि ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। आपने सही सवाल पूछा, जब SC ST OBC का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो अभी पूरा नहीं हो पाया है और इसमें ये आर्थिक आधार पर ला रहे हैं, तो इस तरह से आरक्षण को पूरा डाइल्यूट करने की साजिश है, नंबर वन। नंबर टू, 5 राज्यों में BJP चुनाव हारी है, लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो ये कुछ नहीं, ये चुनावी स्टंट है, पॉलिटिकल जुमला है, और ये एक तरीके से जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना इसमें की गई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजनेता SC ST OBC समाज के जितने नेता हैं और MP हैं, भले इसके वोट के चक्कर में लाल 10% वोट के लालच में वो इसका समर्थन कर रहे हो, लेकिन समाज इसके विरोध में खड़ा है, बहुजन समाज इसके विरोध में खड़ा है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अभी 2 अप्रैल आ ही रहा है, तो 1 साल पूरा होगा भारत बंद का, तो देखते हैं हम लोग रणनीति बनाते हैं कि आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। जी, इनके आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, क्या अगर उनको मिल भी जाता है, जैसे बोल रहे थे कि पारित नहीं हो पाएगा, पारित भी हो रहा है, आज के न्यूज़पेपर में भी था कि पारित हो रहा है, अगर ये पारित हो भी जाता है तो क्या वाकई में जो संवर्ण समाज के लोगों को, उन जरूरतमंद लोगों को ये आरक्षण देने की बात करिए, तो वहाँ तक वो लोग पहुँच पाएगा क्या आरक्षण? नहीं, सवाल पहुँचने का नहीं है, सवाल है जब मंडल कमीशन वाले केस में है, जब संविधान पीठ की ये पूरा है कि 50% से नहीं हो सकता, तो आपको किस बात का डिस्परेशन है? तो आप 50% के फ्रेम को अगर चेंज कर रहे हैं तो OBC का आरक्षण 54% कीजिए, फिर कौन मना कर रहा है आप? आप ये बताइए, प्रकाश जावड़ेकर अभी SC ST OBC का जो टीचिंग अपॉइंटमेंट का मसला था, तो सुप्रीम कोर्ट में SLP डला हुआ है, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि हम अध्यादेश लाएंगे इस पर, आज तक अध्यादेश आया? आज तक अध्यादेश नहीं आया। इसका मतलब है कि विशुद्ध इस सामाजिक न्याय विरोधी सरकार है, ये पूरे आरक्षण की अवधारणा को डाइल्यूट करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। ये अगर गरीबी उन्मूलन करना चाहते हैं तो 1% लोगों के पास जो है ना 60% से ज़्यादा संपत्ति है, उनका संपत्ति लेकर बांटे ना, निजी क्षेत्र में आरक्षण शुरू करें ना, कौन मना कर रहा है? तो निजी क्षेत्र नौकरियाँ हैं नहीं, मोदी सरकार में सारी नौकरियाँ ख़त्म हो गई, सरकारी नौकरी ख़त्म हो गए, नौकरी है नहीं, स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, विश्वविद्यालय नहीं खुले हैं, तो अवसर के जो सार्वजनिक अवसर के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें तो आपने संभावनाएं कम कर दी हैं, तो अवसर कहाँ है? प्राइवेट क्षेत्र में, तो प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन मिल रहा है ना, कौन रोक रहा है आप? जी रतनलाल जी, एक बात बताइए, जो आरक्षण 10% देने की बात करी है, वो टोटल अगर ब्राह्मण समाज या संवर्ण समाज की बात करें तो 10% टोटल ही आता है सारा का सारा, अगर मैं मेरा कैलकुलेशन, मेरे आंकड़े सही, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ऑलरेडी नेट पर है, ठीक है ना, 10% आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो आपने 100% आरक्षण दे दिया है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ऐसा 49.5% रिजर्वेशन है जी, तो क्या भारत में जितनी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसमें 49.9% रिप्रेजेंटेशन हो गया है? नहीं हुआ है, तो 70 साल में SC ST OBC का रिजर्वेशन लगभग नहीं हुआ, तो उनकी जगह जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या इंग्लैंड और पाकिस्तान से आए हुए लोग? ये भारत के ही सवर्ण समाज के लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो सवर्ण समाज है हर सेक्टर में ओवर रिप्रेजेंटेड ऑलरेडी है, ओवर रिप्रेजेंटेड है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि SC ST OBC के हितों की हत्या की जा रही है, संविधान को बदलने की पूरी साजिश है, अभी ट्रेलर रन चल रहा है। आने वाले टाइम के अंदर आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या योजनाएं रहेंगी, और किस तरीके से आप प्रेरित और समाज को किस तरीके के मैसेज देंगे वो बताएं? हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज भी प्रेस क्लब में कई मीटिंग से हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं, राजनेता राजलीला जो करें, लेकिन समाज जिंदा है, समाज से प्रतिरोध का स्वर हम तेज करेंगे। आपसे डॉक्टर रतनलाल जी ने हमें बताया कि जब नौकरियां बची ही नहीं है तो आप किसको आरक्षण दे रहे हैं, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।